जय हिंद टू ऑल, वेलकम टू सोडा क्लासेस। सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एनडीए फर्स्ट 2024 के इंग्लिश जनरल अवेयरनेस पेपर का इंग्लिश वाले सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें मेरे पास आई थिंक हाँ सेट सी है और हम सेट सी का डिस्कशन करेंगे और इसमें हम इंग्लिश वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं, राइट गाइस? तो आप सब अपना अपने पास आपके पास पेपर हो तो एक बार हम इस पे थोड़ा वर्क करेंगे। यस, या क्वेश्चन नंबर वन, ऑर्डरिंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इस पे हम बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा है इंक्लूड बेसिक फ्रीडम्स, पी वाला ऑप्शन है। तो इसको सॉल्व करने का एक पैटर्न है, किसमें देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहां पे ये आपको समझना है कि पहले देखना है कि इसमें गिवन ऑप्शन पे काम करिए, क्यू आर एस क्यू आर पी और आर क्यू एस पी। तो या तो ऑप्शन क्यू वाला होगा या एस वाला होगा या आर वाला होगा, कौन सा वाला तो हो नहीं सकता, पी वाला होगा नहीं, ठीक है? तो इसमें देखिए कोई कौन सा वर्ड पहले आ सकता है, गारंटीड वर्ड है, आर से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो आएगा नहीं, राइट? तो उसमें देखिए ऑप्शन सेकंड कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स आर, हाँ, आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल बेसिक राइट्स एंड द इंक्लूड बेसिक फ्रीडम्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, गारंटीड टू द इंडिविजुअल बेसिक राइट्स एंड इंक्लूड बेसिक फ्रीडम्स। तो इसमें व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी द बी ऑप्शन, राइट? नाउ सेकंड वन इज यू हैव टू फाइंड द फोर मेनी मिलेनिया बीन इन द मेकिंग ऑफ अ हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैज द इंडियन नेशंस इज द प्रोडक्ट। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द सेकंड आंसर, बताओ व्हाट विल बी द सेकंड आंसर। यस, सेकेंड, तो इसमें आप देखो इसमें हो जाएगा आपका एस क्यू पी आर, यस, एस क्यू पी आर, द इंडियन नेशंस इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट, यस, विच वन, एस आर क्यू पी, ए वाला ऑप्शन राइट होगा, एस आर क्यू पी, राइट? द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट of a historical process that has been, तो यहाँ पे आपको pair किसका बनाना है, has been का, तो इसमें RQ वाला right answer हो जाएगा, right? Third देखिए, third वाले में क्या है, बोले third वाला, हाँ C, SQPR, तो इसमें देखो कैसे SQPR आ रहा है, SQPR थर्ड का ए रहेगा, ठीक है? हाँ, राइट आंसर है इसका ए, एन इपॉक दैट वॉज एम्ब्यूड फॉर इट्स पीपल द स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू विजन इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड। तो इसमें क्या हो जाएगा, एस क्यू पी आर, इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड फॉर इट्स पीपल। तो इट्स यहाँ पे जो प्रोनाउन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसके साथ आएगा, इंडिया के साथ। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है? अब इसका बताएं फोर्थ वाले का आंसर, यस, नाउ फोर्थ वाला देखें, साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन। तो इसमें देखो सेंटेंस कहां से शुरू होगा, हाँ देखो फोर से तो स्टार्टिंग होगी नहीं सेंटेंस की, फोर से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी, ठीक है? और साइंस एंड मैथमेटिक्स से यहां पे देखो कि ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, ठीक है? तो सी एस वाला आंसर पहले होगा, तो एस वाला कौन सा है, ए और सी, इन दोनों में से देखो ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड
टू बी प्रेजेंट बिफोर द प्रिंसिपल, तो एस के बाद क्या आ रहा है, आर, ठीक है। या फिर ये बताओ, ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू बी प्रेजेंट बिफोर द प्रिंसिपल फॉर अ डिस्कशन ऑन द फोर्थ कमिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका, सी। इसमें बताओ फिफ्थ वाला, देखो क्या नहीं होगा, टू द न्यू टीम या विद द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्लेयर या द टीम नाउ हैज, टेल मी नाउ, फिफ्थ का आर क्यू एस पी विल बी द राइट आंसर, देख लो इसे, विद द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्लेयर टू द न्यू टीम द टीम हैज नाउ, द टीम नाउ हैज टू बॉलर्स, तो हैज के बाद क्या है, ये वाला सेंटेंस है, टीम के पास अब कितने बॉलर है, टू बॉलर एंड बैट्समैन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है, इसको हटाए, यस। विजिबल है क्या इतना, बताना थोड़ा, इतना है या बड़ा करें, सफिशेंट है, ठीक है। तो बताओ उसका, इसमें वर्ड क्लासेस फाइंड करना है, ये ऐसे क्वेश्चन पहले ना सीडीएस में आते थे, ये फर्स्ट टाइम इसमें चेंज हुआ है, ठीक है। बताओ इसमें अवार्ड, अवार्ड क्या है, तो देखो अवार्ड के पहले हम्बल, माय हम्बल एडजेक्टिव है, तो अवार्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, यस। द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो बियॉन्ड इज प्रपोजिशन, बियॉन्ड काय के तरीके से यूज होता है, प्रपोजिशन, राइट। तो आंसर इसका डी है, इसका ए है, इसका क्या है, डी है, यस। नेक्स्ट वन, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, एक्सेप्ट क्या होता है, हाँ हाँ के अलावा, तो ये भी प्रपोजिशन हो जाएगा, क्लास में हमने काफी बार डिस्कस करा है। ही ड्राइड क्लीन्ड माई कोट नाइसली, तो नाइस वर्ड क्या होता है, नाइस एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव, और आपने पढ़ा है एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ जाता है तो आपके क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। अच्छा नाउन में एलवाई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। एक तरीके से कंसेप्ट है कि अगर आप किसी वर्ड में एलवाई जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो या तो एडजेक्टिव बनेगा या क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, वो कभी भी क्या नहीं बनता, नाउन नहीं बनता, इज दैट क्लियर। तो यहां पे नाइस में एलवाई जुड़ा है तो ये आपका क्या माना जाएगा, एडवर्ब रहेगा, ठीक है। वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम, तो दिस दैट, हाँ तीस और दोस, बताओ क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव भी होते हैं, हाँ प्रोनाउन भी होते हैं, तो यहां पे व्हाट विल बी द राइट आंसर, डी होगा, ठीक है, हाँ। या नेक्स्ट वन, तो 11 के देखें एंटोनिम्स, बताओ डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल कितना इजी कंसेप्ट है, डिप्लोरेबल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोरेबल, नॉट गुड कंडीशन, यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंडेबल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर, कमेंडेबल, ठीक है। मोहन कैसी लाइफ जी रहा है, डिप्लोरेबल कंडीशन में जी रहा है, तो ये रिप्रेहेंसिबल, ऑप्रीब्रियस, डेस्पिकेबल, ये इसकी क्या है, सुनोनिम रहेंगे, तो इसमें कमेंडेबल है, प्रेजवर्दी या वेरी गुड लाइफ, ठीक है, तो कमेंडेबल विल बी द राइट आंसर। बताओ नेक्स्ट वन, दीज एक्सरसाइज विल काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, काउंटरैक्ट करेगी क्या ये एक्सरसाइज, ठीक है, तो काउंटरैक्ट का मतलब होता है उस चीज को और अच्छा करना, ठीक है। तो एग्जबरेट का मतलब क्या होता है, टू मेक वर्स, टू मेक वर्स, किसी चीज को और ही ज्यादा क्या कर देना, खराब कर देना, तो फिर यही हो जाएगा, ठीक है, इसका एंटोनिम। नाउ यू हैव टू परसिवर विद डिफिकल्ट स्टूडेंट, आपको डिफिकल्ट स्टूडेंट के साथ क्या करना है, परसिवर करना है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, परसिस्ट, कैरी ऑन, इसके सिनोनिम है, तो गिव अप का मतलब है, हाँ इसका एंटोनिम हो जाएगा, राइट है, तो इसका आंसर क्या है, नहीं है, यस देयर न्यू कलर स्कीम इज हीडियस, तो हीडियस का मतलब क्या होता है, भयंकर, भयानक, हाँ डरावना, राइट, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ब्यूटीफुल, ये इसके तीनों क्या है, इसके सुनो है,
तो ब्यूटीफुल विल बी द राइट आंसर, तो उसका क्या है, बी ऑप्शन है। 15th का देखें भाई, 15th का ये इरिस कैसे होगा, इससे चलो ये देख लो आ गया, इसमें हिडियस पे आ गया, एवरीवेयर दे गो दे स्क्वैंडर दे अर्निंग्स। बताओ वे अपनी अर्निंग्स को क्या करते हैं, स्क्वैंडर करते हैं, स्क्वैंडर का मतलब है वेस्ट करते हैं। तो बताओ वेस्ट का मतलब ये आपके तीनों यहां पे भी क्या हो जाएंगे, सुनोनिम हो जाएगा, तो मैनेज विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है ये देखना, इस बार आपके 5 क्वेश्चन किससे बने हैं, 5 क्वेश्चन केम फ्रॉम द एंटोनिम राइट। इस बार का जो पैटर्न है आपका एनडीए एग्जाम का वो थोड़ा चेंज है, ठीक लास्ट ईयर के मुकाबले। लास्ट ईयर में लगभग उन्होंने होमोफोन्स डाल दिए थे, इस बार होमोफोन्स की जगह उन्होंने क्या डाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए डाले हैं, जो सीडीएस के एग्जाम में आते थे। ठीक है इसमें आप बताएंगे नेक्स्ट वन। चलो इस पैसेज को देखें, इनके आंसर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द बायोटिक कम्युनिटी, तो इसको पहले रीड करेंगे तब हम समझ पाएंगे। ठीक है तो इसमें थोड़ा फास्ट रीड करें, द ग्रुपिंग और असेंबलीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब्स वी ऑब्जर्व व्हेन वी स्टडी अ नेचुरल, वी स्टडी अ नेचुरल फॉरेस्ट अ ग्रासलैंड अ पॉन्ड अ कोरल रीफ और सम अदर अनडिस्टर्ब्ड एरिया इज रेफर टू द एज द एरियाज वाइट और वाइटिक कम्युनिटी। तो इसमें एक पॉइंट तो यहीं पर समझिए कि वाइटिक कम्युनिटी क्या है। तो यहाँ पे वैसे देखो जैसे एक पॉन्ड है, हाँ पॉन्ड के अंदर क्या इंक्लूड रहता है, वैसे वाटर रहता है, तो वाटर तो हो गई, हाँ प्रोटोजोआ बुश, यहाँ पे ह्यूमन का डिस्कस नहीं हुआ है, तो फिर आप मान के चलिए कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, ह्यूमन नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बॉम्बे। ठीक है दूसरा देखें, द नेचर ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी लार्जली डिपेंड्स ऑन, तो बायोटिक कम्युनिटी किस पर डिपेंड करती है लार्जली, तो देखें द प्लांट पोर्शन ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी इंक्लूड्स ऑल वेजिटेशन फ्रॉम लार्ज ट्रीज डाउन थ्रू टू माइक्रोस्कोपिक एल्गी, लाइकवाइज द एनिमल पोर्शन इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम द लार्ज मैमल्स वर्ड्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस थ्रू टू अर्थवर्म्स द इंसेक्ट्स टिनी इंसेक्ट्स एंड माइट्स माइक्रोब्स एंड कंपास अ लार्ज अरे ऑफ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया फंगी एंड प्रोटोजोन्स दस द बायोटिक कम्युनिटी कंप्राइजेज अ प्लांट कम्युनिटी है एंड एनिमल कम्युनिटी एंड अ माइक्रोबियल कम्युनिटी। तो बायोटिक कम्युनिटी है ना वो किस पर डिपेंड करती है, वो मोस्टली अबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबायोटिक फैक्टर, तो अबायोटिक फैक्टर में क्या टेम्परेचर भी होता है, ह्यूमिडिटी भी है, मॉइस्चर भी, एल्गी इसमें नहीं होगा। ठीक है इसको पैसेज को आप रीड करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखें, इन द पैसेज द वर्ड एक्वाटिक कम्युनिटी रिफर्स टू, हालांकि एक्वाटिक का मतलब क्या होता है बताओ, बायोटिक कम्युनिटी फाउंड इन वाटर, यस बायोटिक कम्युनिटी फाउंड इन द एयर, तो इसमें एक बार और रीड करें इसको, इसमें देखें द पर्टिकुलर काइंड ऑफ बायोटिक कम्युनिटी फाउंड इन गिवन एरिया इज इन लार्ज पार्ट डिटरमाइंड बाय अबायोटिक फैक्टर्स सच एज द अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट द टेम्परेचर द सैलिनिटी और द टाइप ऑफ सॉइल इन द एरिया दीज अबायोटिक फैक्टर्स बोथ सपोर्ट एंड लिमिट द पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर एग्जाम्पल अ रिलेटिव लैक ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ मोस्ट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स बट सपोर्ट सर्टेन स्पीसीज सच एज कैक्टी दीज काइंड ऑफ एरियाज आर डिजर्ट्स लैंड विद प्लेंटी ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर एंड सुटेबल टेम्परेचर सपोर्ट्स फॉरेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वॉट इज द मेजर फैक्टर दैट सस्टेन्स एक्वाटिक कम्युनिटीज। तो बताओ इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एक्वाटिक कम्युनिटी किसका आ जाएगा आपका आंसर, द बायोटिक कम्युनिटी फाउंड इन वॉटर। ठीक है तो मोस्टली इसका आपका आंसर क्या है, बी है। स्पीसीज आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो देखिए स्पीसीज दोनों
के आधार पे डिफाइन करी जाती है। किसके आधार पे? सिमिलरिटीज के आधार पे भी और डिफरेंसेस के आधार पे भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द आंसर, बोथ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। कोई भी स्पीसीज कैसे डिफाइन करी जाएगी, हाँ क्या डिफरेंसेस हैं क्या सिमिलरिटीज है, तो इसका आंसर क्या है ये हो जाएगा। अब इसमें सिनोनिम देखें तो देखें बैनिस, बैनिस का मतलब क्या होता है? निर्वासित करना, देश निकाला देना। यस द किंग्स सन वॉज बैनिस ड्यू टू पॉलिटिकल राइवलरी, तो इसका मतलब हो जाएगा आंसर विल बी द डिपोर्टेड। ठीक है, ए डिपोर्टेड का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, ही गेव अ डेजलिंग परफॉर्मेंस, इसे हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस भी करा था। तो डेजलिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिलियंट। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए है। हाँ, सी रिफ्यूज्ड ऑल सजेशंस फ्रॉम हर फ्रेंड्स, तो रिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट करना। बहुत अच्छा। और ही डिसओन्ड का मतलब भी होता है एक तरीके से, हाँ किसी के साथ आप कनेक्शन नहीं रखना चाह रहे, राइट? यस, टू से दैट यू नो लॉन्गर वॉन्ट टू बी कनेक्टेड, इसका मतलब आप किसी के साथ लंबे समय तक कनेक्शन नहीं रखना चाह रहे हैं, जुड़े नहीं रहना चाहते हैं, इसका मतलब आप उसको क्या करने करेंगे? लीव करेंगे, अबेंडन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉयल लेगेसी को आप क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, अबेंडन करना चाह रहे हैं। और क्या बनना चाह रहे हैं? कॉमनर बनना चाह रहे हैं, सामान्य व्यक्ति बनना चाह रहे हैं। द पब्लिक वॉज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, तो स्केप्टिकल का मतलब होता है कि पब्लिक हमेशा कैसी रहती है? कंफ्यूजन में रहती है। हाँ हाँ, काय में रहती है? डाउटफुल रहती है, राइट? हाँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 25। नाउ लुक, ही पॉज्ड, बताएं बेटा, ही पॉज्ड, वह रुका, काय के लिए रुका? फॉर अ मोमेंट्स, काय के लिए रुका? हाँ, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के लिए तो रुकेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका? बी है। लेट एट नाइट आर कार, हमारी कार क्या हो गई? रात में खराब हो गई। तो ब्रोक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, क्या होता है? टू स्टॉप वर्किंग, जैसे कोई व्हीकल है या कोई मशीन है क्या करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे ब्रेक इन टू का मतलब क्या होता है? हाँ, जबरदस्ती घुसना कोई चीज है, फोर्सफुली एंटर। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट सडनली, कोई चीज अचानक से शुरू हो जा रही है। ठीक है, अचानक से क्या हो जा रही है? शुरू हो जा रही है। हाँ हाँ, जैसे कोई फाइट है, कोई वॉर है, तो ब्रेकआउट इसके लिए यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑल द कंट्रीज साइन द ट्रीटी, सभी कंट्रीज ने क्या क्या करा है? ट्रीटी साइन करी है। किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपके इसमें सही आंसर नहीं है। आई रिमाइंडेड हर, मैंने उसे याद दिलाया कि आप लाइट को क्या कर दो? टर्न ऑफ कर दो, है? या तो टर्न ऑन या टर्न ऑफ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइट? यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे बी ऑप्शन है। बताओ भैया, दे टोल्ड अस अबाउट द वुमेन, ये वुमन है। अब ये बताओ, वुमन क्या एक पर्सन है? तो पर्सन के बाद क्या आएगा? विच तो आएगा नहीं, हुम आ सकता है, लेकिन हुम के बाद वर्ब नहीं आता, तो आंसर क्या हो जाएगा? हु। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु के बाद क्या आएगा? वर्ब। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, सी ऑप्शन राइट है। आई विल सी यू, मैं आपको कब मिलूंगी? हाँ, तो एट द एंड ऑफ फरवरी, तो एट द एंड ऑफ मंथ के जब एंड की बात होती है तो एट द एंड लगाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आई डिसलाइक फिल्म्स, तो समझ लो फिल्म्स क्या है, जैसे हु, हुज और हुम, ये तीनों चीजें किसके लिए आती हैं? पर्सन के लिए आती हैं। काय के लिए आती हैं? पर्सन के लिए आती हैं। काय के लिए यूज होंगी? पर्सन के लिए यूज होंगी। और आप यहाँ पे बताइए कि फिल्म्स क्या है? पर्सन्स तो है नहीं, तो हु आएगा नहीं, हुज आएगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट हैव सैड एंडिंग्स। ठीक है, द थीव्स डिनाइड, तो थीव्स ने क्या इंकार कर दिया? स्टीलिंग द मनी, पैसे नहीं चुराए। ठीक है, तो कि देखो हैविंग के बाद, हैविंग का एक कंसेप्ट है, हैविंग प्लस वी थ्री का यूज होता है, हैविंग प्लस वी थ्री, तो हैविंग स्टीलिंग नहीं होगा, हैविंग स्टोलन होता, हैविंग टू स्टोल भी नहीं होता, हैड स्टोलन इज नॉट राइट। ठीक है, हैविंग स्टोलन हो जाता तो सही होता।
तो फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी है 33 का बी आंसर है। और 34, डिड यू ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब है कि इनफॉर्मल विजिट, किसी के यहाँ आप जा रहे हो तो उसे, जैसे आप गुजर रहे हो कहीं से और आप किसी को छोड़ते हुए जा रहे हो या किसी को देखते हुए जा रहे हो, लाइक इनफॉर्मल विजिट के लिए वर्ड यूज होता है। तो ड्रॉप इन टू सी सुनीता ऑन योर वे होम, है आप थोड़े सुनीता को भी देखते जाना आप घर में, अपने जो घर के रास्ते पर मिलते हो। तो वुड यू लाइक टू मीट, तो मीट हर, यहाँ पे विद इसलिए नहीं आएगा, विद वाला इसलिए नहीं आएगा, मीट का मतलब ही होता है किसी से मिलना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इसमें बी ऑप्शन राइट है, ठीक है 35 का। चलो 36 का बताएं, बी बेड, इडियम्स हैं आपके गाइस, बी बैड न्यूज, बी बैड न्यूज, बी बैड न्यूज, कोई तुम्हारे लिए बुरी न्यूज है। इसका मतलब होता है समवन हु इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, इसका आंसर हो जाएगा सी। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, तो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड का मतलब है कोई व्यक्ति प्लान कर रहा है लेकिन वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, ठीक है, वो फिर से प्लान बना रहा है और फिर से क्या कर रहा है, टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज फेल्ड, उसका अगर कोई प्लान फेल हो गया है फिर लगातार दूसरा प्लान बना रहा है। तो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी इन द आई ऑफ द स्टोन, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या काय में रहता है, काय के बीच में रहता है, कॉन्ट्रोवर्सियल सिचुएशन में रहता है, तो टू बी इन द मिड्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। लाइफ इन द फास्ट लेन, तो कैसी लाइफ लेन करनी है अपन को, एन एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल लाइफ स्टाइल, कुछ लोग ना उनको ना रिस्की लाइफ बड़ी पसंद है, हाँ एक्साइटिंग लाइफ भी पसंद है लेकिन वो रिस्की होती है, तो इसका मतलब इसका डी आंसर विल बी द राइट ऑप्शन। टू पास द बक, या आपने एडियम पढ़ा भी था हमारी सोडा की, उसमें था टू पास द बकेट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, किसी को ब्लेम करते रहना, जैसे मान लो टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन, कोई भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर न लेना, किसी दूसरे के ऊपर डाल देना या ब्लेम कर देना, तो आंसर विल बी द बी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखें, क्लोज टेस्ट, देखिए इस बार इन्होंने क्लोज टेस्ट इसमें डाले हैं, 10 क्वेश्चन केम फ्रॉम द क्लोज टेस्ट, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वी कैनॉट मिस दिस सेक्शन फॉर द अपकमिंग एग्जाम, इसको भी कवर करके चलना पड़ेगा हमको। अभी एनडीए की कोई भी एग्जाम में क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन नहीं आते थे, इस बार इन्होंने डाले हैं, तो देखो बड़ा इजी क्लोज टेस्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू कैन फिल ऑल द ब्लैंक्स। देखो इसमें देखें द अर्थ क्लाइमेट, अर्थ का क्लाइमेट क्या हो रहा है, धीमे धीमे चेंजेस हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग सम, तो इसका आंसर हो गया बी। हाँ तो चेंजिंग सम ऑफ द चेंजेस, तो चेंजेस सम, सम क्या है, सम के बाद प्लूरल वर्ड आना चाहिए, तो दिस और दैट तो आएगा नहीं, दोष तब होगा जब कोई चीज आपसे दूर हो, यहाँ पे जब नियर की बात हो रही है, इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दीज वर्ड यूज होगा। दीज चेंजेस हैव बीन ड्यू टू नेचुरल कॉजेस बट अदर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड हाँ एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, किसकी वजह से हो रहा है बताओ, किसकी एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हाँ जंगलों का विनाश, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा विच हैव लेड, जो एमिशंस हो रही हैं बहुत सारी गैसें निकल रही हैं, किससे, इंडस्ट्री से या ट्रांसपोर्ट से, जिसने क्या करा है, विच हैव लेड टू द एक्यूमुलेशन एसिमुलेशन एब्सोल्यूशन और कलेक्शन, तो एक्यूमुलेशन का मतलब बहुत सारी गैसें क्या हो गई हैं, मतलब कलेक्ट हो गई हैं या काफी इकट्ठी हो गई, एक्यूमुलेशन विल बी द राइट ऑप्शन, कलेक्शन वर्ड नहीं आएगा, एक्यूमुलेशन माने बहुत सारी गैसें इकट्ठी हो गई हैं, और गैसेस एंड एक्रोसॉल्स इन द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द एटमॉस्फेयर आ जाएगा, तो इसका आंसर डी है, और इसका आंसर क्या है, सी। दीज गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज दे ट्रैप हीट, वे क्या करती हैं, हीट को ट्रैप करती हैं,
एंड कुछ लोग राइज लगा सकते हैं, राइज का मतलब होता है बढ़ना, बे बढ़ती नहीं है, बे बढ़ाती है, तो रेज करती है, रेज एयर टेम्परेचर, तो विल बी द आंसर ए। नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के नियर में क्या करती है, टेम्परेचर को रेज करती है, एक्टिंग लाइक ए ग्रीन हाउस ऑन द सरफेस, सरफेस ऑफ द क्रस्ट, तो किसके सरफेस पे, क्रस्ट भूपर्पटी होता है ना, उसी के ऊपर तो बढ़ा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल कैपेसिटी, कैपेसिटी फॉर असेसमेंट, हाँ असेसमेंट वर्ड यूज हो रहा है, तो विल बी द फॉरवर्ड, ठीक है, ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री, डिफरेंट स्टडीज अंडर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम, जब एक्शन प्रोग्राम होते हैं तो प्रोग्राम क्या होते हैं, स्टार्टी तो होंगे, तो आर डेवलप्ड नहीं, आर इनिशिएटेड, शुरू करे गए, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट बायलैटरल एंड मल्टी बायलैटरल, सॉरी मल्टी लेटरल मीटिंग्स एंड नेगोशिएशंस आर हेल्ड, हाँ हेल्ड रेगुलर इंटरवल्स, जब कुछ समय समय बाद कुछ चीजें होती रहती हैं तो एट लगाते हैं, एट रेगुलर, हाँ तो विल बी द बी आंसर, ठीक है। तो आपका ये हमने पेपर सॉल्व करा है, यस। तो अब आप समझिए, यस ये सेक्शन दूसरा है, तो इंग्लिश वाला हमने सॉल्व करा है, इस चीज में समझिए कि इस बार का जो सेक्शन आया है तो उसमें क्लोज टेस्ट भी इंक्लूड है, ठीक है, इसमें एंटो भी है, इसमें सिनो भी है, राइट, इसमें आपका पैसेज भी है और इसमें इडियम्स भी है, ठीक, और पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का पार्ट है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और आपके प्रपोजिशन से भी क्वेश्चन काफी थे, ठीक है। और तो ये वाला सेक्शन आपको स्पेशली इस पे वर्क करना है, ठीक, जैसे उसमें कुछ फिलिंदा वहां पे जो वर्ड थे इस तरीके के, ये बता दे रहा हूं, ये वाले, हाँ सेंटेंस कंप्लीशन वाले वर्ड थे, ठीक है, सेंटेंस सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन वाले वर्ड थे ना, तो ये भी थोड़ा वर्क करना है, ठीक। और जबकि प्रीवियस एग्जाम में आपके होमोफोन्स आए थे, जबकि इसमें होमोफोन्स नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन PQRS की भी थे, ठीक, तो आप ये मान के चलेंगे दिस सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दीज सेगमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी हमको इस बार वर्क करना पड़ेगा अपकमिंग एग्जाम्स में, तभी वी कैन लगभग 45 प्लस क्वेश्चन विल बी एबल टू सॉल्व, राइट। और वेरी गुड लक टू एवरीवन, इसको थोड़ा देखना एक बार और सॉल्व करना, ठीक है, हैव अ गुड डे।